गुजरात के दाहोद जिले में आज बड़ा हादसा हो गया। मालगाड़ी के 16 डिब्बे पटरी से उतर गए। इस हादसे में मालगाड़ी के कई डिब्बे एक दूसरे के ऊपर भी चढ़ गए। इससे रेलवे ट्रैक के साथ साथ ट्रेन के ऊपर जा रहे केबलों को भारी क्षति पहुंची है। इससे रेल यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया है। यह हादसा मंगल मुदी रेलवे स्टेशन के पास हुआ। इसके चलते रतलाम मुंबई खंड के कई ट्रेन के जो रास्ते हैं, जो रूट्स हैं, उसमें बदलाव किया गया है। विशाखापट्टनम स्थित एक कपड़ा गोदाम में भीषण आग लग गई। आग की लपटें काफी दूर से ही नजर आने लगी। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया जा सका। हादसे में हालांकि किसी के हताहत होने की या घायल होने की खबर नहीं है, लेकिन आग लगने के कारणों को लेकर जांच जरूर की जा रही है। अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि किन कारणों से आग लगी। घटना में किसी के घायल होने की जानकारी भी नहीं है। इस अग्निकांड में करीब 2 करोड़ की संपत्ति जलकर राख हो गई है, ऐसी आशंका है। तमिलनाडु के कल्लाकुरीची में एक स्कूल में हुए बवाल के बाद प्रिंसिपल की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इससे पहले स्कूल में 12वीं क्लास की छात्रा की मौत को लेकर हिंसक विरोध प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनकारियों ने स्कूल में घुसकर वहां खड़ी बसों में आग लगा दी और स्कूल में जमकर तोड़फोड़ की। इसके बाद पुलिस ने भी प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया। 12 जुलाई को स्कूल की छत से कूदने के कारण छात्रा श्रीमती की मौत हो गई थी। सुसाइड नोट में छात्रा ने स्कूल के 2 टीचर्स पर हर वक्त पढ़ने के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। उड़ीसा के गजपति में भारी बारिश के कारण जबरदस्त लैंडस्लाइड हुई। इसके कारण गुम्मा ब्लॉक में पहाड़ से एक साथ काफी तेजी से पानी नीचे की ओर गिरा। पानी के साथ आया काफी मलबा भी नीचे फैल गया। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। उड़ीसा में पिछले 2 दिनों से भारी बारिश भी हो रही है और इसी के कारण ये लैंडस्लाइड की घटनाएं यहाँ पर घट रही है। भारी बारिश के कारण यहाँ लोगों की भी परेशानी काफी बढ़ गई है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बेतार नदी में अचानक तेज बहाव के कारण 2 युवक फंस गए। दोनों युवकों ने नदी के बीच एक चट्टान के सहारे खुद को बचाने में की पूरी कोशिश की। ग्रामीणों की सूचना पर आर्मी के दुर्गा बटालियन के जवान मौके पर पहुंचे और तत्काल रेस्क्यू को शुरू किया गया। दोनों को बचाने के लिए उन तक ट्यूब जोड़कर पहुंचाई गई। इसके बाद लाइफ जैकेट के सहारे जवानों ने दोनों युवकों को सुरक्षित बाहर निकाला। बस्तर जिले में रेस्क्यू टीम की मदद से एक प्रेग्नेंट महिला को उफनती नदी पार कराई गई। दरअसल महिला को अचानक प्रसव पीड़ा के कारण स्वास्थ्य केंद्र ले जाना था। इसके लिए उफनती नदी को पार करना भी जरूरी था। नदी का नाम इंद्रावती बताया जा रहा है। इसके लिए प्रशासन को सूचना दी गई। प्रशासन की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। प्रेग्नेंट महिला को पहले तो नदी किनारे कोशिश की गई कि डिलीवरी की जाए, फिर उसके बाद माँ और बच्चे को मोटर बोट से नदी पार कराई गई, स्वास्थ्य केंद्र तक लाया गया जहां मां और बच्चा दोनों सुरक्षित हैं। असम के साउथ सलमारा में ब्रह्मपुत्र नदी में डूबकर 2 बच्चियों की मौत की खबर है। नदी में 3 लड़के और 2 नाबालिग लड़कियां नहाने के लिए निकले थे। इसी दौरान सभी नदी की तेज धार की चपेट में आ गए और बहने लगे। स्थानीय लोगों ने 3 लड़कों को तो बचा लिया, लेकिन 2 नाबालिग लड़कियों को नहीं बचाया जा सका। SDRF की टीम ने उनकी तलाश में गोताखोरों को नदी में उतारा है। आखिरकार घंटों की तलाश के बाद 2 बच्चियों के शव बरामद किए गए। असम के बिस्वनाथ जिले में अब भी बाढ़ का कहर जारी है। बाढ़ की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों के घरों में पानी घुसा हुआ है, जनजीवन प्रभावित है। सड़कों पर पानी होने की वजह से लोग अब जान जोखिम में डालकर इधर से उधर जा रहे हैं। असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार तो आया है, लेकिन अभी भी 5 जिले ऐसे हैं जो करीब 1.5 लाख लोगों के जीवन के लिए परेशानी बने हुए हैं। यहां पर बाढ़ की वजह से लोगों का जीना बेहाल है। केंद्र ने इस साल की असम बाढ़ को गंभीर प्राकृतिक आपदा घोषित किया है। पंचकुला में 2 युवकों को कौशल्या नदी में सेल्फी लेना महंगा पड़ गया। पानी का तेज बहाव होने के कारण युवक उसके अंदर ही फंस गए। अचानक ऊपर से इतना ज्यादा बरसाती पानी आ गया कि उन्हें बाहर निकालने के लिए कोई भी रास्ता समझ नहीं आया। NDRF ने मौके पर पहुंचकर बोट के सहारे रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत की, जिसके बाद दोनों युवकों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया। करीब 4 घंटे तक दोनों युवक नदी में फंसे रहे। चंडीगढ़ में सुखना लेक का पानी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है और यही कारण है कि कुछ समय के लिए एक फ्लड गेट खोलना पड़ा है। अभी सिर्फ एक फ्लड गेट कुछ वक्त के लिए खोला गया था और इससे ही आसपास के एरिया में जलभराव हो गया और इसी के चलते चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस को अलर्ट जारी करना पड़ा। ट्रैफिक पुलिस ने आदेश जारी कर कहा है कि सुखना लेक के ओवरफ्लो होने के चलते कुछ जगहों पर ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में RPF के जवानों पर एक युवक की हत्या करने का आरोप लगा है। युवक गौशाला में सेवक के रूप में कार्यरत था।
युवक को हिरासत में लेने के बाद आरपीएफ के जवानों ने पीट पीट कर उसे मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद उसका शव रेलवे स्टेशन के पास रेलवे लाइन पर फेंक दिया। मामले की सच्चाई सामने आने के बाद आरपीएफ चौकी में तैनात 7 पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज करते ही उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। अगरतला के बना मलीपुर में एक 5 मंजिला इमारत को जैक के माध्यम से ऊंचा किया गया है। ये मकान सड़क से काफी नीचे होने के साथ साथ कुछ झुक भी गया था। मकान मालिक ने बताया कि उन्होंने ये टेक्नोलॉजी कोलकाता में देखी थी। अगर वहां इसे जैक के सहारे नहीं उठाते इस मकान को तो बिल्डिंग उन्हें पूरी तरह से तोड़नी पड़ती। मकान उठाने वाले इंजीनियर जसप्रीत सिंह ने बताया कि मकान तोड़कर फिर बनाने की जगह उसे जैक से उठाना ये एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है। वडोदरा में आपदा से लोगों को बचाने के लिए पुलिस की शी टीम को एनडीआरएफ ने ट्रेनिंग दी। इसमें खासकर वैसी ट्रेनिंग पर जोर दिया गया जो बाढ़ बारिश में लोगों को दी जाती है ताकि उनकी जान बचाई जा सके। ट्रेनिंग में पानी में डूबे शख्स की जान कैसे बचाई गई और कैसे बचाई जाए इस पर खास जोर दिया गया। दरअसल गुजरात में महज 3 दिन की बारिश में जिस तरह का हाल हो गया है शहरों का, जिस तरह से बाढ़ आ गई है उससे लोगों को काफी सबक मिला है। ऐसे हालात होने पर अगर तत्काल एनडीआरएफ नहीं पहुंच पाए तो पुलिस की भी टीम यहां पर लोगों को बचा सकेगी। कोर्ट के आदेश के बावजूद वाराणसी से 16 ऊंटों को अभी तक राजस्थान नहीं भेजा जा सका है। 27 जून को इन ऊंटों को प्रशासन ने तब बरामद किया था जब उन्हें क्रूरतापूर्वक कोलकाता ले जाया जा रहा था। तब से ही इन्हें वाराणसी में खुले में रखा गया है जहां इनमें से कई ऊंटों की सेहत बिगड़ गई है। कोर्ट ने इन्हें अनुकूल वातावरण में राजस्थान के सिरोही भेजने का आदेश जारी किया था, लेकिन प्रशासन की ओर से बजट न होने की दुहाई देकर इन्हें अब तक राजस्थान नहीं भेजा जा सका है। मेरठ में हाईवे स्थित एक होटल में अवैध रूप से चल रहे कसीनो कारोबार का भंडाफोड़ हुआ है। इस होटल और रिजॉर्ट में पुलिस ने कसीनो में मौजूद 10 युवतियों समेत 43 आरोपियों को पकड़ा है। ये सभी लड़कियां नेपाल से बुलाई गई थी। कसीनो का सामान, लग्जरी कार, 51 मोबाइल फोन और लाखों की नकदी भी पुलिस ने बरामद की। सभी के खिलाफ मुकदमा भी पुलिस की तरफ से दर्ज कर लिया गया है और लोगों को जेल भी भेज दिया गया है। जम्मू कश्मीर में 2 दिन में 3 ड्रोन देखे जाने के बाद हड़कंप है। इसके कारण सुरक्षा बलों ने सांबा के सीमा क्षेत्र के पास तलाशी अभियान चलाया। संयुक्त टीमों ने सभी जगह पर तलाशी अभियान चलाया। अभियान में ड्रोन का इस्तेमाल भी किया गया, हालांकि अभी तक कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया है। ड्रोन देखे जाने की सूचना के बाद ग्रामीणों में भी अफरा तफरी का माहौल था। पहले भी पाकिस्तान की ओर से ड्रोन के जरिए ड्रग्स और हथियार भेजने की बातें सामने आ चुकी हैं। पंजाब में मोहाली के जिरकपुर में होटल मालिक से रंगदारी मांगने पहुंचे गैंगस्टर्स और पुलिस में मुठभेड़ हो गई। एंटी गैंगस्टर फोर्स ने मुठभेड़ के बाद भुप्पी राणा गैंग के 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों तरफ से हुई फायरिंग में एक गैंगस्टर और एक सब इंस्पेक्टर घायल हुए हैं जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। आरोपियों के पास से 2 देसी पिस्टल और कई कारतूस बरामद किए गए हैं। तीनों गैंगस्टर्स की पहचान रणबीर, विशाल और आशीष के रूप में हुई है। महाराष्ट्र में बीजेपी की अल्पसंख्यक महिला मोर्चा प्रमुख सुल्ताना खान पर रविवार रात हमला हो गया। इस घटना में खान को चोटें आई हैं। हमले के वक्त वे पति के साथ डॉक्टर से मिलने जा रही थी। खबर है कि हमलावरों ने सुल्ताना खान की कार रोककर धारदार हथियार से उन पर हमला किया। उन्होंने बताया कि मीरा रोड पर 2 बाइक सवारों ने उनकी गाड़ी को पहले रोका और फिर अपशब्दों का इस्तेमाल करते हुए उन पर हमला कर दिया। मौके पर भीड़ के इकट्ठा होने पर हमलावर फरार हो गए। जम्मू कश्मीर के रामबन में महज 30 घंटे में एक पुल का निर्माण कर दिया गया। सेना के जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग फोर्स ने मैत्रा नाले पर बेली पुल को नए सिरे से बनाकर वाहनों की आवाजाही बहाल कर दी। निर्माण पूरा होते ही लोगों के लिए इसे खोल भी दिया गया है। साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग पर बने इस पुल की भार वहन क्षमता 30 टन से बढ़ाकर 70 टन कर दी गई है। पुल के बनने की खुशी में स्थानीय लोगों ने सेना इंजीनियरिंग फोर्स के लिए नारे भी लगाए। और सावन के पहले सोमवार के अवसर पर हर जगह पूरी श्रद्धा भाव के साथ भगवान शिव को जल चढ़ाया जा रहा है। वाराणसी में इस अवसर पर भव्य नजारा देखने को मिला। काशी विश्वनाथ दरबार में बाबा का जलाभिषेक करने के बाद युद्धवंशियों ने पूरे उत्साह के साथ वर्षों पुरानी परंपरा को निभाया। महामृत्युंजय मंदिर जाने के दौरान डमरू बजाते युवकों का दल लोगों में आकर्षण का केंद्र बना रहा। सावन के पहले सोमवार पर बाबा के जलाभिषेक की यह परंपरा लगभग 90 साल से चली आ रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।